समय जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट सामने निकल कर आया। भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की, तो आप जो है इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए, आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक जानकारी बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं श्रेणी द के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट निकल कर आया है। तो आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन जो है आ चुका है अधीक्षक के सहायक प्रोग्रामर के और लेखापाल के पद पर जो है प्रतिनियुक्ति हेतु। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में अधीक्षक के एक पोस्ट है, सहायक प्रोग्रामर के एक पोस्ट है, वही लेखापाल के एक पद को जो है प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशंस, वेतनमान, न्यूनतम अर्हताएँ इस प्रकार जो है होने वाले हैं। तो अधीक्षक के पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका सैलरी 9300 से लेकर 34,800 रुपये आपका सैलरी रहेगा। अराउंड आपको 35,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। लेवल 10 का वेतन रहेगा, ग्रेड पे प्लस 2400 रुपये अलग से। पद जिसे प्रतिनियुक्ति प्रस्तावित है जिसमें अधीक्षक के हैं, सहायक अधीक्षक के सहायक वर्ग 1 के रिमार्क में है, अधीक्षक के पद पर जो है कार्यरत को प्राथमिकता, यानी कि ऑलरेडी जो अधीक्षक के पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं उनको इसमें ज़्यादा जो है एडवांटेज, इसमें जो है ज़्यादा लाभ बेनिफिट्स उनको मिलेगा। साथ में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत को जो है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ में सहायक वर्ग 1 पद पर कार्यरत को जो है 10 वर्ष का जो है अनुभव। वहीं सहायक प्रोग्रामर की बात करें, इसमें भी आपको 9300 से लेकर जो है 34,800 रुपये प्रत्येक माह जो है सैलरी आपको मिलेगा। प्लस अगर हम बात करें 4300 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। साथ में सहायक प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो सहायक प्रोग्रामर के पद पर जो है कार्यरत को प्राथमिकता होगी। साथ में सहायक प्रोग्रामर पद की जो है वांछित योग्यता रखता हो तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो है कार्यरत को 10 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। अब बात करें लेखापाल की, जिसमें 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये सैलरी मिलेगा। लेवल 6 का 2400 रुपये आपको ग्रेड पे अलग से दिया जाएगा। तो लेखापाल सहायक वर्ग 2, लेखापाल के पद पर कार्यरत को प्राथमिकता मिलेगा। सहायक वर्ग 2 पर कार्यरत हो एवं लेखा परीक्षा जो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन का जो है आपको शासकीय सेवक जो है होना चाहिए यदि आपका गवर्नमेंट जॉब है, और आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तो उपरोक्त पदों हेतु दिनांक आपको 13 अप्रैल, जी हाँ 13 अप्रैल 2023 दिन बुधवार को शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, कल का लास्ट डेट है, फिर आप अपना पूर्ण बायोडाटा के साथ निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आवेदक द्वारा एक स्वयं का जो है प्रमाणित फोटो भी लगाया जावे। आवेदन के साथ संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र से निष्ठता प्रमाण पत्र भी आपको अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर गोपनीय अंकित करें तथा निम्न पते पर आपको जो है आवेदन कर देना है। तो इस पते पर आपको जो है आवेदन कर देना है। अभ्यर्थी व्यक्तिगत जानकारी निम्न अनुसार भरे, जिसमें आवेदक का नाम, पिता माता का नाम, आयु, जाति, ईमेल आईडी, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, यानी आपको ये इसमें अपना वर्तमान का पता डालना है, और इसमें स्वप्रमाणित फ़ोटो आपको अपना आप खुद का एक फ़ोटो लगा देना है। तो कार्यालय संबंधी जानकारी जिसमें विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, पद नाम, वेतन बैंड, निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सनिष्ठता प्रमाण पत्र संलग्न हाँ या ना नहीं में आपको जो है जवाब देना है। साथ में अनुभव एवं अन्य योग्यताओं के संबंध में अभिलेख आपको संलग्न करना है। तो प्रतिनियुक्ति के पद हेतु अपनी उपयुक्तता 100 शब्दों में लेख कर आपको जो है पृथक से संलग्न आपको करना है। तो इस तरीके से हम जो है कर पाएंगे। तो उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। किसी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर समस्त जवाबदारी मेरी होगी। तो इसमें आपको एक फॉर्म फिलअप भी कराया जाएगा। तो इस तरीके से
आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर स्वयं के आप जो है हस्ताक्षर भी कर पाएंगे, सिग्नेचर। सिग्नेचर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से आप इसके लिए आराम से आवेदन कर पाएंगे। तो छात्र व अधीक्षक चंडीदेव के पोस्ट होने वाला है, और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि भविष्य में जब छात्र व अधीक्षक श्रेणी के अध्यक्ष के और भी पोस्ट आने वाला है, आएगा, जिसमें 25% पोस्ट जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए रिजर्व होगा, उसके लिए जो है रिजर्वेशंस होगा। जैसे अगर 400 पोस्ट जो है निकल कर आता है, तो 25% में कम से कम 100 पोस्ट जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए पोस्ट के लिए जो है भरे जाएंगे। तो आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा अपकमिंग अपडेट्स हैं, आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। तो आने वाले समय में आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्तियाँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी तरह से नए नए जॉब, इसी तरह से नई नई अपडेट्स, नए नए भर्ती जो है होने वाला है। तो बस तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपने संपूर्ण बायोडाटा के साथ आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप लोगों को इसी तरह से एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट्स, एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड नए नए जानकारी जो है आप सभी स्टूडेंट को जो है मिल पाएंगे। तो जितना हो सके आपको तैयारी करना, जितना हो सके भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। अगर प्रिपरेशन अगर आपने अच्छे से नहीं किया, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो है कहीं पर भी किसी भी तरह से देखने को नहीं मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्ती होने वाला है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट्स रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी प्रश्न को लेकर, आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो छात्र व अधीक्षक श्रेणीदा भर्ती परीक्षा आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो अपकमिंग वैकेंसीज, अपकमिंग अपडेट जो आप सभी स्टूडेंट के लिए, और ये काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, और आप सभी स्टूडेंट को इसमें बेहतर जॉब, बेहतर स्किल जो है देखने को, जानने को जो है मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए अपडेट्स, एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्ती होने वाला है। बस वक्त करो, तैयारी करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सक्सेस जो है ज़रूर मिलता है अगर हम मेहनत करेंगे तो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसी तरह से नए नए वीडियो जो है आप सभी को मिलते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज हैं, तो व्यापम के द्वारा आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स, काफ़ी अच्छी भर्ती जो है होने वाला है। बस आपको अपना तैयारी करना है, आपको अपना मेहनत करना है, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है होने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन जो है आपका ज़रूर हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।